ये जमीन जिस जमीन पे मैं खड़ा हूँ ये मेरी है, ये गांव जिस गांव में मैं खड़ा हूँ ये मेरा है, ये खित्ता इस खित्ते के हर पेड़ दरख्त हर खेत खलियान ये सब मेरे देखे पहचाने और सुने, हर फर्द जो यहाँ बैठा है उससे कोई ना कोई मेरा रिश्ता जरूर है। तो ये मेरा ददियाल भी है और यही ननियाल भी है और यही कुछ हद तक ससुराल भी है। मेरी बहन की शादी इसी गांव में हुई और हम लोगों को मामू नहीं बना रहे हैं। मामू कौन रहे? बड़ी खुशी की बात है कि मैं अभी इस जमीन पर अपने जमीन पर खड़े होकर कितना फख्र महसूस कर रहा हूँ। मेरे अगल बगल मास्टर साहब वकील साहब जो बैठे हैं, हमारे गार्जियन जैसे हमारे लिए इंस्पिरेशन हमेशा से रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं हम बल्कि इस खित्ते इस जिले के तमाम वो लोग जो कुछ अचीव करना चाहते हैं वो इन्हीं के नक्शे कदम से चलते हैं और उसमें एक नया नाम जुड़ गया है जो एक अकेला अपनी ताकत कोई कितना भी ये कहे कि हम सब की मदद, लेकिन उस शख्स की एक अकेले की हिम्मत काबिले तारीफ है। वो शख्स अफाक अहमद, जिन्होंने हम सब का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आज अगर आपकी छाती चौड़ी है, हमारे आवाज में दम पैदा हो गया है, तो वो एक शख्स की अपनी हिम्मत की वजह से वो शख्स अफाक अहमद है। इससे पहले एमएलसी के लिए कोशिश हुई, उसमें कामयाबी नहीं मिली, मुझसे मुलाकात हुई, अफाक अहमद साहब ने कहा मैं फिर, मैंने कहा ये हुई मर्दों वाली बात, मर्द ऐसे ही होते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। चलिए हम सब आपके साथ है। और हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारे बाजू आपके साथ है और हम आज अपना सीना फख्र से फुला रहे हैं। और ये एजाज हासिल हुआ हमें इस शख्स की वजह से जिसका नाम अफाक अहमद है। ऐसे शख्स गिने चुने सदी आधी सदी में चंद होते हैं और जो हुआ उसका नाम अफाक अहमद है। अफाक का मतलब ये आसमान, ये समाज, ये कायनात का हुजूम, अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं किस तरह से अपने जज्बात को कहां तक ले जाऊंगा, नहीं ले जा सकता मैं लफ्जों में, अल्फाज में ये ताकत नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आज बच्चा बच्चा अफाक अहमद की वजह से एक ताकत पा गया है, एक जुनून पा गया है। बेशक अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो अपने तौर से अपने मुखलिस होने का, अपने हिम्मत को इरादा देने की कोशिश करता है। जैसा कि भाई साहब ने कहा, शेर क्या था सर? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाएगा। इसी तबीयत के साथ हम इसी कोशिश
इसी हिम्मत के साथ हम उस आसमान में सुराख करने का मुराद यहाँ यहाँ कि हमारी पहुंच कहाँ तक हो सकती है। बस हमें अपने हिम्मत, अपने नेक होने का, अपने इरादे नेक होने का सबूत देना है, और अभी नहीं आगे भी हमें इस शख्स के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना है जिसका नाम आफाक अहमद है। मैं शुक्रगुजार हूँ आफाक अहमद का, मैं सलाम पेश करता हूँ आफाक अहमद को। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।